कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में 27 नए मरीज मिलने से उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 300 के पार पहुंचकर 308 हो गई है। नए मामलों में 21 मामले सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और कुल 308 में से 159 से ज्यादा केस तबलीगी जमात के हैं। जी हाँ, 308 में से 159 से ज्यादा केस तबलीगी जमात के हैं। प्रशासन कैटेगरी के हिसाब से लोगों की ट्रैकिंग कर रहा है। 300 से ऊपर मरीजों का आंकड़ा पहुंचने से शासन के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। यानी 159 केसेस हमारे जो है अब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और कुल हमारे प्रदेश में 305 केसेस हैं। यानी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या आधे से भी ज्यादा हो गई। तो जो ये मीडिया में एक दो दिन से चल रहा था 14 के बाद लॉकडाउन का, ये देखते हुए कि इसके कारण संवेदनशीलता बढ़ी है और अब हम पहले तो उन लोगों को टेकअप कर रहे हैं जो सीधे पेशेंट्स हैं लगभग 159, फिर सेकंड स्टेज में उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में 27 नए मरीज मिलने से उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 300 के पार पहुंचकर 308 हो गई है। नए मामलों में 21 मामले सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और कुल 308 में से 159 से ज्यादा केस तबलीगी जमात के हैं। जी हां, 308 में से 159 से ज्यादा केस तबलीगी जमात के हैं। प्रशासन कैटेगरी के हिसाब से लोगों की ट्रैकिंग कर रहा है। 300 से ऊपर मरीजों का आंकड़ा पहुंचने से शासन के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। यानी 159 केसेस हमारे जो है अब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और कुल हमारे प्रदेश में 305 केसेस हैं। यानी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या आधे से भी ज्यादा हो गई। तो जो ये मीडिया में एक दो दिन से चल रहा था 14 के बाद लॉकडाउन का, ये देखते हुए कि इसके कारण संवेदनशीलता बढ़ी है और अब हम पहले तो उन लोगों को टेकअप कर रहे हैं जो सीधे पेशेंट्स हैं लगभग 159, फिर सेकंड स्टेज में उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं।